आज की जो हमारी रेसिपी है ये है मैंगो मावा बर्फी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, और हमारी रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम साई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारे पाटिल फ्रॉम नासिक। नासिक में हम कुकिंग क्लासेस लेते हैं और ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर हम देते हैं ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस। हमारे पास टोटल 50 कोर्सेस है जिसमें से 45 वेज है और 5 नॉन वेज है। अगर आपको हमारे कोई भी क्लास घर बैठे कहीं से भी सीखने है तो बस फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए 9325294757 या 9850746889 और घर बैठे सीखिए प्रोफेशनल कुकिंग। सो अब आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मावा बर्फी। मावा बर्फी सबकी फेवरेट रहती है, ऑल टाइम हिट रहती है। मावा बर्फी में जो आज मैं फ्लेवर दिखा रही हूँ ये है मैंगो की मावा बर्फी, लेकिन अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो आप कोको पाउडर डाल दीजिए। आपको सिंपल मावा बर्फी चाहिए तो आप उसमें मैंगो कलर एसेंस मत डालिए। सो जो फ्लेवर चाहिए वो सिर्फ कलर डालिए, एसेंस डालिए और वो फ्लेवर की आपकी मावा बर्फी रेडी हो जाएगी। सो देर किस बात की, हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। हमने लिया है 500 ग्राम मावा। आप मावा अगर मार्केट से लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन आप अगर ऐसी जगह हो जहां मावा नहीं मिलता है तो मैंने वीडियो डाला है, सिर्फ आप चेक कीजिए YouTube पे इंस्टेंट मावा बाय ओम साई कुकिंग क्लासेस और 3 मिनट में आप घर में मावा कैसे बना सकते हो वो देखिए। 250 ग्राम चीनी, पिस्ता स्लाइस और ये मैंने लिया है मैंगो इमल्शन। आप अगर आपके पास मैंगो इमल्शन नहीं है तो आप कलर और मैंगो इसेंस, मतलब येलो कलर और मैंगो इसेंस दोनों भी डाल सकते हो। इमल्शन मतलब कलर इसेंस मिक्स रहता है इसमें, सो मुझे अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे कसा हुआ मावा। मैंने मावा को कस लिया है और मैं इसको 2 से 3 मिनट पहले भून लेती हूँ। आपको इसे ज्यादा नहीं भूनना है, 2 से 3 मिनट बस हम लोग भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। 2 मिनट के बाद, अभी ये 1 ही मिनट हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है मावा। सो ऐसे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत आपको भूनना नहीं है, ये याद रखिए कि ये मावा मिक्स हो जाए, बस अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। मुझे 3 मिनट हो गए, आपको दिख रहा होगा कि ये जो लम्स थे ये सब निकल गए और ये सब प्लेन हो गया। सो इस स्टेज पे मैं इस मावे को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मावा को मैंने निकाल लिया है, उसी पैन में मैं चीनी डाल रही हूँ और आपको उतना ही पानी डालना है कि ये जो चीनी है ये सिर्फ, इसको हमको थोड़ा सा ही पानी डालना है कि ये जो चीनी है ये पूरी मेल्ट हम लोग कर सके। सो ये देखो मैंने इसको सिर्फ कवर किया है पानी से। सो इसको हम लोग अभी पिघलाएंगे। ये देखिए चीनी घुलने लग गई है। चीनी घुलने के बाद हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ किस स्टेज तक आपको इसको कुक करना है। पहले आपको कंटिन्यूस इसको ऐसे हिलाना है ताकि जो चीनी अच्छे से घुल जाए। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं और ये वाइट 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 दिख रहा है। सो अभी भी बाकी है, आप कैसे चेक करोगे, थोड़ी सी चाशनी लोगे और किसी कटोरी पे डालोगे, और अगर ये चाशनी सेट हो रही है तो आप समझ जाना आपकी जो चाशनी है वो तैयार है, लेकिन ये सेट नहीं हुई है, देखो बह रही है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ तो ये फ्लो हो रही है, ये सेट नहीं हुई है, तो मुझे और कुक करना है इसे। अब मैं फिर से थोड़ी सी चाशनी ले रही हूँ और ये कटोरी के ऊपर मैं डाल दी। 2 मिनट मैं इसे ठंडा होने देती हूँ, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैं देखूँगी ये जो ड्रॉप है ये सेट हुआ है क्या नहीं। सो अगर मैं इसको ऐसे फ्लो करूँगी तो फ्लो नहीं हो रहा, देखिए बहुत कम फ्लो हो रहा है। और अगर मैं तार देखूँगी तो ये एक तार की चाशनी लेकिन बहुत मोटी तार दिख रही है। जब इस स्टेज पे आ जाएगा कि एक तार है लेकिन बहुत मोटी मोटी आ रही है तो समझ जाना आपकी चाशनी रेडी है। सो इसमें हम लोग डालेंगे कलर और इसेंस। मैं अभी इमल्शन 2 TSP डाल रही हूँ। अगर आप कलर इसेंस डालोगे तो 1 TSP इसेंस डालो और कलर आपको जितना डाल चाहिए उतना। सो अभी आपको फटाफट इसमें ये स्टेज मैं आपको फटाफट मावा डाल के इसको हिलाना है, कंटिन्यूस इसको हिलाना है और गैस का जो फ्लेम है वो एकदम कम कर देना है आपको। सो इसको आपको अच्छे से मिलाना है और जितने भी लम्स है इसके, इसको कंटिन्यू आप इसको ब्रेक करते जाइए।
इसको आप कंटिन्यूस ऐसे हिलाओगे और आप देखोगे कि जो इसमें लम्स थे वो कम हो गए हैं अभी, लेकिन बिल्कुल भी रुकना नहीं है, इसको कंटिन्यू हिलाना है। मावा डालने के बाद आप 3 से 4 मिनट और इसे कुक करोगे, आपको इसमें बबल्स दिखेंगे, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं। सो जब ये बबल्स बड़े हो जाएंगे, 4 से 5 मिनट पकड़ के चलिए, तब तक आपको इसको हिलाना है। अब देखिए आपको साइड से भी बबल्स दिख रहे हैं और पूरे यहाँ बबल्स बबल्स दिख रहे हैं और साइड पे आपको ऐसे ऑयल ऑयल दिख रहा है, ये तेल छूट रहा है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था, अब मैं गैस बंद करके इसे टिन में डालूंगी। ये मैंने 7 इंच का टिन लिया है जिसको मैंने बटर पेपर लगा दिया है ताकि ये चिपके ना, और ये मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर देती। सो ये अब मैंने डाल दिया है, इसको थोड़ा सेट होने देते, जब ये सेट हो जाएगा तब मैं इसके ऊपर सिल्वर वर्क और पिस्ता स्लाइस डालूंगी। इस बर्फी को आपको बाहर ही सेट करना है, इसे आराम से 4 से 5 घंटे लगते हैं सेट होने के लिए। सो मैं इसको छोड़ देती हूँ, सेट होने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये सेट हो गई है थोड़ी सी, देखिए थोड़ी हल्की सेट हो गई है, अब मैं इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाती हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ता स्लाइस भी डाल देती हूँ और इसे अब पूरा सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा हाथ से दबा देती हूँ और जब ये पूरा सेट हो जाएगा तब मैं इसके पीसेस कर लूंगी। सो ये बर्फी सेट हो गई है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। सो ये बटर पेपर है इसलिए मैं इजीली इसको निकाल रही हूँ। ओके, निकालने के बाद अब मैं इसके पीसेस करके आपको दिखाती हूँ कितनी फॉर्म सेट हुई है और कितनी टेस्टी बनी है, मैं दिखाती हूँ। अब मैं इसके पीसेस कर रही हूँ, शार्प नाइफ लीजिए और इसको अच्छे से कट कर लीजिए। और ये सेट होने के बाद अगर आप कट करोगे तो एकदम शार्प कट होती है। ओके, ये मैंने कट कर दिया है, अब मैं इस तरफ से भी कट कर देती हूँ। सो मैं इक्वल साइज के पीसेस कर रही हूँ। सो ये हमारी मैंगो मावा बर्फी रेडी है, इसे ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कैसी लगी हमारी मैंगो मावा बर्फी, इसे ट्राई कीजिए, दिवाली पे बनाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय।